क्या नाम है आपका? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाज़रीन, ये है हाफिज मंजूर आलम साहब, जिनको कुछ फिरका परस लोगों ने सर और दाढ़ी के बाल मुंडाने के बाद अब खबर ये मौसूल हो रही है कि इनको शहीद कर दिया गया है। हम आगे जाकर आपको दिखाएंगे कि इन लोगों ने किस तरह की हरकत की। आपको बताते चले कि हाफिज मंजूर आलम साहब बिहार किशनगंज जिला के भगाल गाँव के रहने वाले थे। ज़हनी तवाज़ुन खो देने के बाद कई महीनों से सड़कों पर भटक रहे थे और भटकते भटकते किसी तरह हरियाणा के एक आश्रम में पना लिए। कौन जानता था कि एक दिमागी तवाज़ुन खो देने वाले हाफिज कुरान शरपसंदों के हाथ चढ़ जाएगा। हाफिज मंजूर से सारी डिटेल पूछी गई। मंजूर आलम नाम हमारा, कहाँ के रहने वाले हो? फिर उसके बाद उनकी दाढ़ी और सर के बाल उतार दिया गया और महज 15 दिनों के बाद उन्हें शहीद कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाज़े हो कि मरहूम हाफिज मंजूर आलम साहब मुफ्ती जहांगीर आलम साहब कासिमी के अपने सगे छोटे भाई थे। वही मुफ्ती जहांगीर आलम कासिमी जिन्हें तब्दील मजहब के झूठे केस में फंसा कर हजरत मौला कलीम सिद्दीकी साहब और हजरत मौला उमर गौतम साहब के साथ गिरफ्तार किया गया था। मुफ्ती जहांगीर साहब कासिमी अभी जेल में कैद है और अब उनके छोटे भाई हाफिज मंजूर आलम साहब को भी शहीद कर दिया गया है। फिलहाल हाफिज मंजूर आलम के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, एक फोटो में पुलिस की गाड़ी में हरियाणा का नंबर दिखाई दे रहा है, जिससे मालूम होता है कि यह हादसा हरियाणा में हुआ है। नाजरीन, इस दुख भरी खबर के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में शेयर करें। शुक्रिया, वस्सलाम।